बंधुओं, आप दीमक के विषय में तो जानते ही होंगे। यह जिस लकड़ी में लगती है, वह ऊपर से जितनी भी खूबसूरत, साफ सुथरी और चमचमाती दिखाई देती रहे, यह अंदर से उसे प्रभावित करती रहती है। कभी कभी पास से देखने में भी हम उसमें अंदर होने वाले नुकसान का आकलन नहीं कर सकते। यदि उस लकड़ी को अंदर से देखना संभव हो, तभी हम यह जान पाएंगे कि दीमक का कीड़ा उसे अंदर से खोखला कर रहा है, और यह नुकसान हमारी जानकारी के बगैर समय के साथ बढ़ता जाता है और कई बार एक हादसे के रूप में हमारे सामने उत्पन्न होता है। तब हम यह जान पाते हैं कि यह लकड़ी दीमक से प्रभावित थी। किस लकड़ी को कितना नुकसान होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह लकड़ी अपने आप में कितनी मजबूत थी, उसमें कितनी मात्रा में दीमक लगी एवं इस दीमक को कितने समय तक उसे खोखला करने का मौका मिला। दीमक की भांति ही डायबिटीज भी शरीर को अंदर ही अंदर प्रभावित करती है। शरीर का एक-एक भाग, सर के बाल से पैर के नाखून तक सभी कोशिकाएं, यहां तक कि कोशिकाओं के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वह तक बढ़ी हुई शुगर से प्रभावित होता है। बढ़ी हुई शुगर रक्त की नलियों के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाहित होती है एवं यह रक्त की नलियों के सबसे अंदरूनी हिस्से, जिसे वेस्कुलर एंडोथीलियम भी कहते हैं, उस पर प्रभाव डालती है। बढ़ी हुई शुगर विभिन्न मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के द्वारा इस एंडोथीलियम सेल को प्रभावित करती है। याद रहे, एक बार यह एंडोथीलियम प्रभावित हो जाए, इसके चारों ओर फाइब्रोसिस हो जाए, जिससे रक्त की नलियों में कड़ापन आ जाए, वह हार्ड हो जाए, तब इसको पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। रक्त की नलियां हार्ड हो जाने के बाद उसमें खून जम जाने की, थ्रोम्बोसिस की संभावनाएं बढ़ जाती हैं एवं शरीर के जिस भी भाग में यह प्रभाव पड़ा है, उसमें रक्त संचार रुक कर उसमें खराबी आ जाती है। यह आरंभ के 5 वर्ष, जिसमें बढ़ी हुई शुगर रक्त की नलियों को और शरीर को प्रभावित कर रही है, केवल इसी समय पर्याप्त नियंत्रण में रखकर हम शरीर में होने वाले इन दुष्प्रभावों को बचा सकते हैं। याद रहे, इन 5 वर्षों के बाद आए हुए नुकसान को हम कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते। तो इस प्रकार यह बढ़ी हुई शुगर किन मरीजों में ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी? जो पहले से कमजोर है, जिनमें ब्लड शुगर ज्यादा बढ़ी हुई है एवं लंबे समय तक अनकंट्रोल्ड रहती है, वह इस बढ़ी हुई शुगर से ज्यादा प्रभावित होंगे। याद रहे, जिस प्रकार दीमक अगर लकड़ी को खोखला कर दे, उसके बाद हम दीमक का तेल डालते हैं, दीमक को मारते हैं, तो लकड़ी को हम नहीं बचा सकते। इसी प्रकार शुगर यदि शरीर पर प्रभाव डाल चुकी हो, उसके बाद हम शुगर को कंट्रोल करते हैं, तो उस प्रभाव को कभी भी समाप्त नहीं कर सकते। तो मित्रों, डायबिटीज कंट्रोल का सही तरीका क्या है? डायबिटीज मालूम पड़ते ही इसको जल्दी से जल्दी पर्याप्त नियंत्रण में लाएं, शुगर को जितना कंट्रोल रख सकें उतना कंट्रोल रखें एवं आजीवन इस कंट्रोल को बनाए रखें, जिससे हम शुगर के साथ एक स्वस्थ जीवन का आनंद ले सकें। तो मित्रों, इस प्रकरण का संदेश यह है कि डायबिटीज मालूम पड़ते ही उसको पहले दिन से पर्याप्त नियंत्रण में रखें और एक स्वस्थ जीवन का आनंद लें। याद रहे, एक बार डायबिटीज ने यदि शरीर पर प्रभाव डाल दिया, तो बाद में किया गया अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट भी आपको स्वास्थ्य लाभ नहीं दे सकेगा। धन्यवाद।